दोस्तों, BTS जैसे आर्टिस्ट जिनके दुनिया भर में इतने सारे चाहने वाले हैं, उनको लेकर अगर कोई भी डेटिंग रूमर फैलती है तो वो हर जगह वायरल हो जाती है। और दोस्तों, ऐसे में एक रूमर के चलते BTS के लीडर RM को खुद वीवर्स पर ऑनलाइन आकर आर्मी को इस रूमर के बारे में सब कुछ क्लैरिफाई करना पड़ा। तो दोस्तों, BTS के लीडर RM ने वीवर्स पर आकर आर्मी से क्या कहा है और ये पूरी बात क्या है, ये सब कुछ जानने से पहले हमारे अमेजिंग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इंस्टाग्राम पे भी हमारे साथ जुड़ जाइए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही दिया हुआ है। दोस्तों, कुछ वक्त पहले BTS के मेंबर RM को लेकर एक रूमर फैली थी, जहां पर एक यूट्यूबर का कहना था कि वो एक कोरियन लड़की को डेट कर रहे हैं जो काफी पैसे वाली है। दोस्तों, इसके साथ साथ उस यूट्यूबर ने दोनों की फोटोज भी शेयर करी थी, जहां पर देखा जा सकता था कि दोनों एक ही म्यूजियम में गए थे और इसके साथ साथ दोनों के ही हाथ में एक सेम पेट डॉग भी देखा गया था। लेकिन दोस्तों, हालांकि बिग हिट ने इस रूमर को डिनाई कर दिया था, यानी कह दिया था कि ये सब झूठ है, लेकिन RM इस रूमर से इतने ज्यादा परेशान थे कि उन्होंने खुद वीवर्स पर आकर आर्मी को सब कुछ सच बताने का फैसला किया। दोस्तों, RM जब वीवर्स पर आए तो उन्होंने लिखा कि ये सच बात है कि वो उस इंसान यानी उस लड़की को नहीं जानते हैं। हालांकि इसके बाद उन्होंने लिखा कि दैट पूडल इज माई फ्रेंड्स पूडल। दोस्तों, काफी सारे लोग RM की इस लाइन से कंफ्यूज हो गए थे। दोस्तों, लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर RM का इस लाइन से क्या मतलब है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि RM कहना चाहते थे कि पूडल यानी वो पेट डॉग उनका नहीं बल्कि उनके फ्रेंड का डॉग है। दोस्तों, इसके साथ साथ इस बात से कोई भी बात सच नहीं हो जाती कि अगर दो लोगों के हाथों में सेम पेट दिख रहा है तो वो दोनों डेट कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों, एक जैसे दिखने वाले पेट बहुत सारे लोगों के पास हो सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों डेट कर रहे हैं। इसके साथ साथ अगर किसी कंट्री में कोई घूमने की जगह है तो वहाँ पर बहुत ही सारे लोग जा सकते हैं। इसका इस बात से कोई भी कनेक्शन नहीं है कि अगर दोनों लोग एक जगह पर गए थे और उन्होंने फोटो पोस्ट करी है तो इसका मतलब वो साथ ही में गए थे या फिर वो डेट कर रहे हैं। तो दोस्तों, RM वीवर्स पर आकर आर्मी को बस इतना बताना चाहते थे कि वो डॉग भी उनका नहीं है और साथ ही साथ वो उस लड़की को नहीं जानते हैं। यानी वो ये कहना चाहते थे कि जो भी बातें फैल रही हैं वो पूरी तरह से झूठ है। तो दोस्तों, आपका इन सब पर क्या ख्याल है और क्या कहना है हमें कमेंट्स में जरूर बता दें। इसके साथ साथ हमारे अमेजिंग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और इंस्टाग्राम पे भी हमारे साथ जुड़ जाएं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही दिया हुआ है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।